अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा नेक का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि बनाना भी बहुत इजी है। इसके लिए हमने ये बुकरम का डबल पीस लिया और हम अब अपने नेक की मेजरमेंट करते हैं। ये मीडियम साइज़ का नेक है, आप अपना साइज़ अपने मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमने 3.25 इंच पे एक निशान लगाया और एक निशान हमने 4 इंच पे लगा लिया, और इस तरह हमने 3.25 इंच पे इस तरह इधर भी एक निशान लगा लिया, और फिर हम स्केल के साथ बॉक्स की शेप देंगे। इस तरह हमारा जो नेक है ऊपर और नीचे से बहुत अच्छी शेप से बन जाता है। इस तरह हम इसकी अब गुलाई दे देंगे। इस तरह आप हल्के हाथों से गुलाई की शेप दें। इसके बाद हम एक निशान 3 इंच पे लगाएंगे। ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये हमारा 3 इंच पे है, और एक इसके हाफ पे लगाएंगे तो 1.5 इंच बन जाएगा, और इधर भी हम एक 1.5 इंच पे इस साइड पे भी उसके बराबर पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम स्केल के साथ इधर, और फिर जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था उसके साथ अटैच कर देंगे। और इसके बाद हम एक निशान 13 इंच पे लगाएंगे। तो 13 इंच पे जो हमने निशान लगाया वहाँ पे हमने चौड़ाई में 1.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद ऊपर हमने इधर हमने 1/2 इंच का निशान लगाना है। इस 1/2 इंच के निशान को जो 1.5 इंच का निशान हमने लगाया था उसके साथ हम मिला देंगे, और इधर से हम वी शेप दे देंगे इस तरह। और बाहर की तरफ हम 1/4 इंच का मार्जिन है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 इंच कर लें, इतना मार्जिन हम इधर को ड्रा कर लेंगे, और फिर हम अपनी गुलाई की शेप आउटलाइन कर लेंगे। इस तरह हल्के हल्के हाथों से गुलाई करते हुए हम अपना नेक ड्रा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम बाहर वाली साइड इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह हम अपनी गुलाई करेंगे, फिर हम अंदर का पार्ट इसका कटिंग कर लेंगे। पहले हम गुलाई वाला करेंगे और बाद में सेंटर में हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम इसको एक अलग कपड़े पे लगाएंगे। तो लगाने के बाद जितना हमने साइडों से कपड़ा था उसकी कटिंग कर दी, और हमने फोल्डिंग के लिए जो मार्जिन छोड़ा था उसको चाहे तो आप फैब्रिक ग्लू के साथ फोल्ड कर दें, या आप इसको एक रफ से सिलाई लगा दें। किसी तरह भी हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। मैंने इधर फैब्रिक ग्लू लगा के सारे कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हमने जो नेक है अपनी उल्टी साइड पे रखा है, शर्ट की उल्टी साइड पे, क्योंकि ये नेक जो है हमने सीधी साइड की तरफ फोल्ड करना है। तो हम सेंटर में पहले एक सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारा नेक है वो इधर उधर मूव नहीं करे। फिर हम धागे की कटिंग करेंगे इस तरह। बाद में हम अपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे और कोशिश करेंगे जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर नहीं आए। इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और आप मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पे आपको नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन और अपनी बच्चियों के लिए भी बहुत बहुत प्यारे फ्रॉक के डिज़ाइन मिलेंगे। अब हमने सिलाई लगाने के बाद एक पैर का कपड़ा छोड़ते हुए बाकी का जो कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे, और यहाँ से ध्यान से करें ताकि हमारा कोई धागा वगैरह कट ना जाए। और जितने कॉर्नर हैं वहाँ पे हम कट का निशान लगा देंगे, क्योंकि जब हम इसको सीधी साइड पे फोल्ड करेंगे तो इजीली फोल्ड हो जाए और सफाई के साथ फोल्ड हो। और गुलाई में इधर कट लगा लेंगे। इस तरह जो नेक है वो बड़ा सफाई के साथ बन जाता है। अब हमने इसको सीधी साइड की तरफ फोल्ड करना है, और यहाँ से हमने इसके कॉर्नर वगैरह किसी नोकदार चीज़ से अच्छी तरह बाहर निकाल लेने हैं ये वाले, और फिर हम इसको अच्छी तरह आयरन कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने फोल्ड कर लिया है, और इसके कोने किसी नोकदार चीज़ से हमने बाहर की तरफ निकाल लेने अच्छी तरह।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्त और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। इस तरह हम इसको अच्छी तरह आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद हम इसके एक तरफ सिलाई लगा देंगे। इस तरह हम हल्के हाथों के साथ बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे और ये हमारी जो चकोर सी शेप है इधर भी हम सिलाई लगा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर किया करें। इस तरह हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और धागा काट देंगे। इसके बाद ये देखें, ये हमारे पास लेस है जो कढ़ाई के साथ हमने मैचिंग की है, इसको हम इधर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो हमने आसानी के लिए, नए लोग जिनको थोड़ा मुश्किल लगता है हम उनको, उनके लिए ये देखिए मैंने फैब्रिक ग्लू के साथ जो लेस थी उसको पहले ही अटैच कर लिया। अब इजीली मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। ये बताने का मकसद ये होता है कि वो लोग जो नए सीखते हैं, जिन्होंने बनाना होता है, जिनको आती है सिलाई, उनके लिए तो मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो लोग नए होते हैं उनके लिए इस तरह जो टिप्स वगैरह होते हैं वो बड़े काम आ जाते हैं। तो इस तरह ये देखें हम कितनी सफाई के साथ और इजीली लेस लगा लेंगे। इस तरह हम लेस पे सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद ये देखें हमारे पास बटन है जो हमने कपड़े के खुद तैयार करवाए हैं, ये बटन हम इधर अटैच कर देंगे इस तरह। तो आप चाहें तो यहाँ पर मोती लगा सकते हैं या अपनी पसंद के और भी बटन यूज़ कर सकती हैं। तो हमने इधर मैचिंग कपड़े के बटन लगाए हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।